जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि आप सभी 14 मई 2024 से पहले इस भर्ती के लिए अप्लाई जरूर करिएगा अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि आप सभी के लिए यहाँ पे एक एग्जाम डेट लेकर आया हूँ, और ये एग्जाम डेट सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और ये एग्जाम डेट यहाँ पर टेंटेटिव है, ठीक है। इस पर आप सभी का एग्जाम यहाँ पर होने की संभावना है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के सिलेक्शन पाना चाहते हैं इस भर्ती में, क्योंकि ये भर्ती 2019 में लास्ट टाइम आई हुई थी, उसके बाद अब 2024 में आई है, अगर आप इसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको तैयारी भी उस प्रकार से यहां पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और आरपीएफ कांस्टेबल तैयारी करने के लिए मैं आप सभी के लिए सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं समय समय से, ताकि आप सभी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर पाए, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए आपको बता दें, यहां पे सबसे पहले आप सभी का इस भर्ती में एग्जाम ही होने वाला है, क्योंकि देखिए यहां पे आरपीएफ कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस 2024, ठीक है। सबसे पहले आप सभी का इस भर्ती में कंप्यूटर बेसिस टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप सभी से 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और 120 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। जिसमें आप सभी को बता दें, यहाँ पे 90 मिनट के अंदर आप सभी को 120 क्वेश्चन हल करने होंगे। या दोस्तों, 1.5 घंटे के अंदर आप सभी का एग्जाम होने वाला है और 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आप सभी का 1/3 का रहने वाला है, 1/3 का। अगर आप सभी 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आप सभी का 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाए, ठीक है। ये बातें भी यहां पे क्लियर हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पे, जैसे आप सभी यहां पर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, अभी बड़ा मैटर तो ये है कि आप सभी के एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, एग्जाम सिलेबस की अगर हम यहां पे बात करें तो आप सभी के एग्जाम सिलेबस में यहां पे 35 क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे रीजनिंग पूछी जाएगी, और 35 क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे मैथ पूछा जाएगा, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन आप सभी का जीके और जीएस से आने वाले हैं। अगर आप बात करें, अगर आपको सिलेक्शन आरपीएफ कांस्टेबल लेना है, तो देखिए मैथ और रीजनिंग यहाँ पे बच्चे लगभग कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में आके फंसता है आपका जीके जीएस में बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं और पीछे हो जाते हैं, और जो बच्चा यहाँ पे जिसकी पकड़ है जीके जीएस पे, वो बच्चा यहाँ पे आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है और सिलेक्शन आरपीएफ कांस्टेबल में पा जाता है, अगर वो फिजिकली फिट है तो, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल भी आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके लिए मार्केट में बेस्ट बुक भी आ चुका है चक्षु पब्लिकेशन का, जिसे लेकर आप सभी अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को बता दें 6900 प्लस आप सभी को यहाँ पे रेलवे सामान्य अध्ययन की क्वेश्चन मिल जाएंगे चक्षु पब्लिकेशन की बुक में। और इसमें आपको बता दें, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर भी आप सबको यहाँ पे दिया गया है, और हर एक सिलेबस को यहाँ पे बहुत ही टॉपिक वाइज कवर किया गया है। अगर आप सभी रेलवे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरपीएफ हो गया, चाहे टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी, सभी के लिए यह बुक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और 100% आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक में यहाँ पे तैयार किया गया है। यह बुक आप सबके एग्जाम को और भी आसान कर सकता है, आप सभी एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में बेस्ट स्टडी गाइड आता है, जिसे लेकर आप सभी अपनी तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। इसमें आप सभी को देख सकते हैं, अलग अलग से यहाँ पे रीजनिंग की बुकें मिल जाएंगी, और साथ ही बात की जाए यहाँ पे तो मैथ की बुक मिल जाएगी, ठीक है, जो कि चैप्टर वाइज है, और यहाँ पे सामान्य ज्ञान की बुकें मिल जाएंगी, पैटी सेट मिल जाएगा, स्टडी गाइड मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप सभी परचेस कर सकते हैं, या फिर आप सभी इसे अपने मार्केट से भी ऑफलाइन माध्यम से परचेस कर सकते हैं। अभी मैं आप सभी को एग्जाम के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं, आपके एग्जाम में क्या कैसे आने वाला है, कैसे आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में, कि अगर आप सभी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप सभी के यहाँ पे पीएमटी होने वाला है, मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आप सभी का होने वाला है, जिसमें आप सभी की हाइट मापी जाएगी। आप सभी अगर मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी हाइट यहाँ पर मापी जाएगी। आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर मेल की हाइट यहाँ पे होनी चाहिए, और फीमेल का हाइट यहाँ पे 155 सेंटीमीटर समथिंग यहाँ पे होनी चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं, तो आप सभी का नॉर्मल चेस्ट यहाँ पे 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद आप सभी का चेस्ट यहाँ पे 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाला है। जो बच्चा यहाँ पे सीबीटी क्वालिफाई करेगा, उन्हीं का यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, फिजिकल टेस्ट, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आप सभी का थर्ड में यहाँ पे पीईटी होने वाला है। ध्यान दोस्तों, पीईटी आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें आप सभी का रनिंग होगा, और उसी साथ में आप सभी का हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और आपको बता दें, कॉम्पिटिशन कम रहने का चांसेस बहुत सारे हैं, चांसेस यही हैं। वैकेंसी भले मैं मानता हूँ कम है, ठीक है, एज में आप सबको छूट दिया गया, लेकिन मेन कारण क्या निकल के आ रहा है कि आप सभी का फिजिकल यहाँ पे हार्ड है। ये दोस्तों, आप सभी को 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये बिल्कुल आर्मी के जैसा रनिंग है, और इसको हर कोई क्वालिफाई कर पाए, ये सबके अंदर की बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे आपको तैयारी भी बेस्ट करनी होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे आप सभी ये सारी चीजें करते हैं, यहाँ पे देखिए सारी चीजें बकायदे बताई गई है, सारी चीजें आपके साथ यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने वाले हैं। देखिए, आपको अगर मैथ की बात करें यहाँ पर, तो नंबर सिस्टम, ठीक है, और सारी चीजें यहाँ पे आने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोफेशन यहाँ पे देखिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आपको बता दें, स्पीड,
टाइम डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एलिजेब्रा से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे तैयार कर लेना है, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मैथ के इन सारे टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सभी यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आप सबको आगे आने वाले समय में प्रोवाइड करा दूंगा। और बिल्कुल आप सभी चिंता मत करिए, अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से करते रहिए। और एग्जाम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अभी आपको पता है कि यहाँ पे 14 मई तक अप्लाई चलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, तो इस बीच एग्जाम के बारे में सोचना भी गलत है, एग्जाम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप सभी का जो एग्जाम है वो यहाँ पे अगस्त या फिर सितंबर के महीने में एग्जाम आप सभी का कंडक्ट करवाने की बात कही जा रही है। फिलहाल जैसे यहाँ पे कोई भी अगर नोटिस जारी होता है तो मैं आप सबके लिए वीडियो बनाकर आपको जानकारी जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए आप सभी अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नॉल पर अवश्य प्रेस कर लें, ताकि हमेशा आप सबको रेगुलर जानकारी मिल सके इस चैनल के माध्यम से। एग्जाम आप सभी का यहाँ पे सितंबर और अगस्त इसी के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। यह भी हो सकता है कुछ एग्जाम आपके अगस्त में हो जाए और कुछ एग्जाम आप सबके सितंबर में हो जाए, ये सारी चीजें भी आपके साथ यहाँ पर हो सकती है। तो आरआरबी आपके एग्जाम को यहाँ पे कनेक्ट करवाएगी, और माना जाता है आपका जीके जीएस जो है काफी ज्यादा यहाँ पे हार्ड होता है। तो आप सभी चक्षु पब्लिकेशन की बुक को लेकर आप सभी आसानी से पढ़ सकते हैं, उसमें सब कुछ आपको सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज सारी चीजें आपको समझाई गई है, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।